ये क्या सुना आज मैंने? हमारी प्यारी प्रतिज्ञा पे कर रहा है उसी का पति कृष्णा अत्याचार। हाय, ये बिचारी प्रतिज्ञा के साथ क्या क्या होता रहता है। अरे हमने तो ये भी सुना है कि उसे वो करने वाला है काल कोठरी में बंद। और क्या ड्रामा होने वाला है प्रतिज्ञा में, चलिए चलकर देखते हैं उन्हीं के सेट पर। बच्चों को उठाए के ले गए, तुमका मना करने पड़ी है? ना हमसे ज्यादा तुमका ऐसे गुस्से में बोलना चाहिए कर देखकर, अरे कितना तो निकल रहे हो। छोड़ेंगे नहीं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम, समझे? तो बताना पड़ेगा कि का हंसी होता है, हमरे परिवार से कट कर लेगा। प्रतिज्ञा पर सितम, कृष्णा का गुस्सा। अब तुमसे कह रहे चुप्पे चाप, हमका बताओ बच्चे कहाँ है। बच्चे हुए किडनैप, तुमका साफ साफ बताए दे आज का दिन। स्टार भारत की सीरियल मन की आवाज प्रतिज्ञा सीजन 2 में हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। काल कोठरी का चाबी लेकर आओ जरा। हम नहीं चाहते हैं बच्चे कहाँ है। जो लोग बच्चे को उठा कर लेकर गए वो बहुत खतरनाक है, हम सब कुछ नहीं जानते। प्लीज मानो हमारी बात, किसी अगर तो वैसे भी गुस्से में ही रहता है। उसका नॉर्मल मूड है वो। अभी तो फिलहाल घर में ऐसा हुआ है कि वो घर आया, उसे पता चला है कि बच्चे घर में है नहीं, और माँ ने एक बड़ा सा सीन क्रिएट कर दिया है कि बच्चे नहीं है, कहाँ हैं। और हालांकि प्लानिंग उन्हीं की है, लेकिन कृष्णा इज अनअवेयर, उसको कुछ पता नहीं है कि ऐसा कुछ है। तो प्रतिज्ञा आती है, इन्फॉर्म करती है कि बच्चे किडनैप हो गए हैं। माँ भड़का देती है कि ऐसे कैसे हुआ है, तूने ही कुछ किया होगा। तो कहीं ना कहीं कृष्णा कन्फ्यूज़ है, फिर कन्विंस हो जाता है, फिर उसको लगता है कि क्योंकि आउटसाइडर यही है, माँ सही कह रही होगी, तो इस बिहाफ पे थोड़ा सा कन्विंस होके फिर वो लैश आउट करता है प्रतिज्ञा पे, उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाता है, घर से बाहर फेंक देता है, मतलब घर से बाहर नहीं, घर से बाहर ले जाता है उसको, उस पर सारा गुस्सा करता है। तो अभी फ़िलहाल वही किडनैपिंग का सीन चल रहा है। कृष्णा जबरदस्ती प्रतिज्ञा को काल कोठरी में बंद करने के लिए ले जाता है। हमारी काल कोठरी ऐसा अंधेरा कमरा है जहाँ पे सालों साल तक कौन आता जाता नहीं, समझे? सालों में जाता है ना, खिड़की है ना, बत्ती है ना, पंखा है ना, रोशनी है, आपको बता दे कि ये सारा किया धरा कृष्णा की अम्मा का है। इसको सब मालूम है हमारे घर के बारे में। जब बच्चे सही सलामत घर लौट आते हैं और अपने पापा कृष्णा को ये बताते हैं कि उनकी मम्मी प्रतिज्ञा बेगुनाह है, जिसके बाद कृष्णा को होता है पछतावा। कृष्णा को फिलहाल तो गिल्ट होगा, जैसे उसे पता चलता है कि प्रतिज्ञा ने ऐसा कुछ नहीं किया था और गलत सोचा उन लोगों ने, गलत उसको सज़ा दी है। और फिर फाइनली जब उसे सब कुछ पता चलता है, बच्चे ही बताते हैं कि वो सब ठीक हो गया है, तो फिर वो गिल्ट तो जो है वो गिल्ट आता है और फिर वो प्रतिज्ञा को बाहर लेके आता है। तो वो सारी चीज़ें हैं भाई। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे प्रतिज्ञा अम्मा का सच सामने लाती है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।